छोटे नेमू है, कुछ नेमू इसमें लगे हुए हैं जो हार्वेस्टिंग के लिए तैयार है। तो देखिए इस तरीके से यहाँ पे लगे हुए हैं, कुछ नीचे पीले पीले दिख रहे हैं। यहाँ पे आइए दिखाइए, तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से पीले नेमू लगे हुए हैं। तो ये देखिए कितना प्योर और पका हुआ नेमू टूटा, डंटी एकदम टूट गया वहाँ से और सूखा टाइप हो जाता है। इसे ये हो गया, पानी हम इसमें डालेंगे नहीं क्योंकि पानी हम शाम को डालते हैं, क्योंकि पौधा अभी बहुत हेलो फ्रेंड इधर आइए कैमरामैन, थोड़ा हम दिखाते हैं आज नेमू का पौधा और आज हम नेमू आपको हार्वेस्टिंग करके दिखाएंगे। ये जो पौधा आप देख रहे हैं ये काबजी नेमू का पौधा है और एकदम मड़ियल सा है, देख रहे होंगे कि पौधा में कोई जान नहीं बचा। तो ऐसा क्यों हुआ है, क्योंकि हमारे इधर टेम्परेचर लगभग 50 डिग्री पहुँच गया है गर्मी में और इतनी तेज धूप के कारण इसके पत्ते झुलस गए, इस तरीके से हालत ख़राब हो गई। क्योंकि मेरे पास ग्रीन नेट लगाने के लिए पैसे नहीं है और धूप से पूरा दिन भर का धूप लगता है, जिस कारण पौधे की हालत इस तरीके से हो गई। साइड में मैंने इसमें मिर्ची का प्लांट लगाया है और साइड में मैंने तुरोई का भी प्लांट लगाया है, जो पिछले साल मेरे को भर के तुरोई मिला था। तो इतने बड़े कंटेनर में मैन पौधा बीच में लगाया और साइड में कोई पौधा लगा सकते हैं। तो ये नींबू का प्लांट है और इसके ऊपर ऑलरेडी मैंने बहुत सारे वीडियो बनाए हैं और यूट्यूब पर अपलोड किए हैं इसकी जानकारी का। तो इसको मैंने जो लगाया था और ये नींबू देखिए किस तरीके से, जो इधर आइए थोड़ा इधर आइए थोड़ा दिखाते हैं। देखिए इस तरीके से जो नेमू पे खुला धूप पर है, जो नेमू ऊपर के साइड है एकदम प्योर धूप पर है, वो नेमू किस तरीके से जल गया है। तो ये काबजी नेमू ये देखिए इधर से इधर डाल गया है और पत्ते भी झुलस गए हैं और धूप के कारण इस तरीके से हाल हुआ है। तो ये सब छोटे नेमू हैं, कुछ नेमू इसमें लगे हुए हैं जो हार्वेस्टिंग के लिए तैयार है। तो देखिए इस तरीके से यहाँ पर लगे हुए हैं, कुछ नीचे पीले पीले दिख रहे हैं। यहाँ पे आइए दिखाइए, तो यहाँ पे देखिए किस तरीके से पीले नेमू लगे हुए हैं। तो ये सब अभी हार्वेस्टिंग करेंगे, जो पत्ते के नीचे है वो नेमू परफेक्ट बना है हमारा और कुछ ग्रीन भी है। तो अभी मेरे को ज़रूरत है नेमू का, मैं हार्वेस्टिंग करके दिखाता हूँ कितने नेमू बने हैं। तो नेमू हार्वेस्टिंग करते हैं अभी हम, तोड़ने में थोड़ा एक नेमू टूटा है और ये थोड़ा ग्रीन टाइप का है, पहले पका हुआ तोड़ लेते हैं, कांटा ना चुभ जाए मेरे को। देखिए कितना प्योर और पका हुआ नींबू टूटा है, डंटी एकदम टूट गया है वहाँ से और तीन नींबू टूटा हुआ। और दिन भर जो धूप लगाया थोड़ा नींबू जो है ना मसुआ जो सूखा टाइप हो जाता है, इसे ये हो गया। अभी पानी हम इसमें डालेंगे नहीं क्योंकि पानी हम शाम को डालते हैं, क्योंकि पौधा अभी बहुत गर्म है। पौधा गर्म होने की वजह से अगर हम पानी डालेंगे तो पौधा मर भी सकता है हमारा। तो पहले हम नींबू हार्वेस्टिंग कर लेते हैं पूरा और उसके बाद इसमें थोड़ा गुनाई करके, और इसमें कोई खाद वाद आपको डालना नहीं है गर्मी के मौसम में, ध्यान रहे कुछ भी नहीं डालें आप, प्योर मिट्टी में लगाएं और शाम के समय पानी डालें। तो एक ये नींबू अभी देखिए इस छोटा साइज है, ये थोड़ा बड़ा होगा तो ऑटोमेटिक गोल हो जाएगा, तो ये सब अभी हम तोड़ेंगे नहीं। तो बड़ा तो देखिए किस तरीके से ये मरा हुआ प्लांट में 4 ग्रीन नींबू और 2 प्योर पके हुए नींबू तोड़े। तो ये थोड़ा नींबू जो है धूप के कारण एकदम मसुआ सा गया है, अभी पानी में डालेंगे तो ये ठीक हो जाएगा। और इस प्लांट में मैं कोई खाद पानी नहीं देता हूँ फिलहाल अभी गर्मियों में, क्योंकि मैंने एक प्लांट में मेरी गलती से एक प्लांट मर गया था। गर्मियों में मैंने बर्मी कंपोस्ट डाल दिया था, सरा हुआ गोबर का खाद, जिस कारण पत्ते एकदम वाइट हो गए ज़्यादा नाइट्रोजन के कारण और पौधा ज़्यादा खाद बर्दाश्त नहीं कर पाया, तो वो पौधा मेरा मर गया। तो ये प्योर मिट्टी में लगा हुआ है और मैं 70% मिट्टी में 30% बर्मी कंपोस्ट स्टार्टिंग में मैंने डाल के लगाया था, उसके बाद कोई केमिकल या ऑर्गेनिक खाद नहीं डाला था। तो आप इसी तरीके से लगाएं, अगर आपके पास प्योर मिट्टी होता है गार्डन का, प्योर मिट्टी में ही लगाएं, ज़्यादा कुछ डालना वालना आपको नहीं है। और महीने में आपको एक बार ये एक चीज़ ऑर्गेनिक डालना है, वो क्या है, इधर आइए। सड़ गया है कचरा भी, मैं इसको घोलूँगा तो बहुत तेज़ बदबू मारेगा, मैं बेहोश भी हो सकता हूँ। तो इसको मैंने खुला में रखा, ये क्या है, तो घर में जो किचन वेस्ट से कचरा बचता है फल का छिलका या सब्जी का छिलका, उसको पानी में सड़ने के लिए दे दे, और इसी का पानी 1 लीटर 5 लीटर पानी में 1 लीटर ये खाद मिक्स करके महीने में एक बार डालना है, बाकी आपको प्योर पानी डालना है, तो आपका नींबू का प्लांट सही रहेगा। ये जो प्लांट का इस हाल हुआ है धूप के कारण हुआ, अगर धूप ज़्यादा नहीं पड़ता इस पर तो एकदम इस तरीके से ग्रीन लीव्स होते हैं। एक प्रॉब्लम और होती है नींबू में, इस तरीके से पत्तियाँ मुड़ जाती है और पत्ते खराब हो जाते हैं, रस चूसक कीड़ा लग जाता है। तो एक्चुअली एक न्यू कीड़ा चला है आज ट्रेंड में, उसको मकड़ा बोलते हैं, स्पाइडर। उसमें क्या होता है, स्पाइडर
इस तरीके से पत्ते के नीचे अंडे देते हैं, उसके अंडे पूरे पत्ते नए पत्ते जो आते हैं वो खराब कर देते हैं। इसको ठीक करने के लिए घरेलू उपाय मैं बता दूँ, 1 रुपया का चीज़ से ठीक होगा। 1 रुपया का आप शैम्पू खरीदिएगा, कोई भी शैम्पू, और 1 लीटर पानी में मिक्स करके सुबह और शाम को स्प्रे कर देना है तो आपका पौधा ठीक हो जाएगा। तो इस तरीके से नेमू, कागजी नेमू का पौधा आप बीज से भी उगा सकते हैं, लेकिन बीज से उगाने के बाद बहुत ज़्यादा समय लगता है फल देने में। तो आप नर्सरी से पौधा खरीद के लाएँ 100-150 में कागजी नेमू का हेल्दी पौधा, और पहले तो घर में उसको 7 दिन रखें, तो उसके बाद अपने गमले में शिफ्ट करें, और शिफ्ट करने के बाद बरसात में शिफ्ट करें, बरसात में ही कोई पौधा खरीद के लाएँ। शिफ्ट करने के बाद उसको ठंड में रखें, 5-6 दिन छांव में रखें, उसके बाद उसको खुली धूप में रख दें, और समय समय पे पुलिंग करते रहें। और क्या क्या करना है ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाया है नेमू के ऊपर, तो वो भी जाके देख लीजिएगा। फिलहाल हमारा 6 नेमू मैंने हार्वेस्ट किया है, इससे और भी पहले नेमू हार्वेस्ट कर चुका हूँ। तो ये प्लांट 2 साल का हो गया है लगभग, तो अब क्या बोल सकता हूँ, 500 से वास टाइम बचा हुआ है, आप लोग देख के कर दीजिएगा तो बढ़िया रहेगा। तब तक के लिए धन्यवाद, लाइक सब्सक्राइब कर जय।